सब्सक्राइब टैग टी वी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन पट पाकिस्तानी और लोग दुनिया में कहीं भी बसते हों एक सवाल उनके सामने हमेशा रहता है कि आफ्टर ऑल ये जो कश्मीर का डोंग है या ढोल जो है ये क्यों बजाया जा रहा है क्यों बजाया जाता रहा है? और इसका फ्यूचर क्या होगा कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान ने चार जंगें भी इम्पोज़ की भारत पे और नतीजा ये निकला कि सब में शिकस्त हुई और एक में तो इतनी शदीद शिकस्त हुई कि आधा हिस्सा ही साथ छोड़ गया इस सारे मंज़र नामे में जब हम ख़ास तौर पर एक साल से देखते हैं जब भारत ने पाँच अगस्त 2019 को आर्टिकल्स 370 और 35 ए की एब्रोगेशन की तो उसके बाद तो मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान के नुकता नज़र से एक और बांग्लादेश हो गया इनफैक्ट इन सारी पचीदा बातों पर बातचीत आज हम दो पाकिस्तानी औरजन के जर्नलिस्ट सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट करेंगे और जानना चाहेंगे एक दूसरे से भी और ब्रेन स्ट्रामिंग करेंगे आपस में भी कि आफ्टर ऑल इसका फ़ायदा पाकिस्तान की ग़रीब आवाम को पाकिस्तान को इट् सेल्फ क्या हुआ और किस को इसका फ़ायदा है इस सारी कार्रवाई का मैं खुश आमद कहता हूँ मेरे साथ लंडन से वीडियो लिंक पर बहुत ही जानी पहचानी हस्ती जनाब आरिफ अजाकिया भाई जुड़े हुए हैं आरिफ भाई खुश आमदैद Thank you very much for inviting. ताहिर भाई। बिलाशुबह हम लोग ह्यूमन राइट के लिए काम कर रहे हैं आप हो, मैं हूँ और भी कोई हो। इन फैक्ट हम पाकिस्तान के गरीब अवाम का भला चाहते हैं मगर पाकिस्तान की जो गरीब अवाम के सर पर सवार इस्टेब्लिशमेंट है उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जाती मफादात अजीज़ ख़ैर ये सब बातें आज हम आ, अपने ब्रेन स्ट्रामिंग में करेंगे आरिफ जाके भाई एक साल बाद हम करीब एक साल हो गया आर्टिकल्स थ्री सेवनटी और थर्टी फाइव एक को एब्रोगेट हुए तो वो जो चूरन हमें मुझे आपको और पूरी पाकिस्तान की आवाम को बेचा जा रहा है अभी भी बेचा जा रहा है कि कश्मीर ले रहेंगे आज भी मैं पाकिस्तान के वजी खारजा की बातें सुन रहा था वो ये कह रहे थे कि कोई मसला नहीं कश्मीरियों को फिक्र नहीं करनी चाहिए हम उनके साथ खड़े हैं और हम श्रीनगर रोड बना रहे हैं मैं सोच रहा था क्या श्रीनगर रोड इनफैक्ट ये इसलिए बना रहे हैं कि अब भारत को आसानी हो श्रीनगर से डायरेक्ट यहाँ पहुँचने में क्या आपकी फीलिंग है आज के दिन सबसे पहले तमाम दर्शकों को असलकम नमस्ते और ईद मुबारक Uh, मैं uh, अपने वापसी के सफ़र पे हूँ मैंने अपने देश को पहचान लिया है कि मैं का, मेरी ओरिजिन कहाँ की है uh, मेरे यहाँ पे कुछ दोस्त हैं ईस्ट अफ्रीका से जो 300 400 साल पहले इंडिया से हिजरत कर गए थे ईस्ट अफ्रीका लेकिन वो अपने आप को इंडियन ओरिजिन कहते हैं तो मैं बीइंग एन इंडियन मेरे पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए थे और सिर्फ बहत्तर साल पहले हम हमने हिजरत की थी तो मैं भी तो इंडियन ओरिजिन हूं तो मैं अपने ए, इंडियन भाई बहनों की सोलिडरिटी में आज वेजिटेरियन ईद मना रहा हूं कश्मीर पॉइंट की की। पे नाजायज कब्जा है पाकिस्तान का पीओके और पे कश्मीर ने इंडिया के साथ एक्सेशन ट्रीटी साइन की थी जिसमें ना सिर्फ ये हिंदू सिख महाराज थे बल्कि शेख अब्दुल्ला भी ऑन बोर्ड थे और मुस्लिम लीडरशिप भी ऑन बोर्ड थी कश्मीर लीगली इंडिया का हिस्सा है जिसको बनाने के लिए जो आजादी की आवाज उठा रहे थे उसके ऊपर यही फौज हमले करती थी यही फौज उनको मारती थी बरतानवी सरकार के कहने पे। आज वो ठेकेदार हो गए पाकिस्तान के लेकिन इनको अपनी हैजे में नहीं कायम रखने के लिए पाकिस्तान पर अपना कंट्रोल कायम रखने के लिए ये कश्मीर चूरन से बेहतर कोई चूरन था नहीं ये कश्मीर चूरन पे हमें बहत्तर साल से बेवकूफ बना रहे स्टेटस को काम का इनका मकसद था स्टेटस को कायम रहे स्टेटस को दाल रोटी है पाकिस्तान की फौज की फौजी इस्टेब्लिशमेंट की फौजी ब्यूरोसी की जो पूरी दुनिया में कश्मीर के नाम पे बिलियंस बिलियंस ऑफ ऑफ डॉलर डॉलर लगाते लगाते हैं लगाते हैं मिलियंस नहीं ये एक एक महीने के दौरे पे जब इनके डेलीगेशन आते हैं कश्मीर के नाम पे दुनिया में एक फैक्ट मुहिम चलाने के लिए तो मिलियंस ऑफ डॉलर तो जिनी में हर तीन महीने बाद लगा देते हैं ये इनकी दाल रोटी है फौज की और फौज की बी टीम जो कि ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियंस उनकी कश्मीर ये फोर्स तो ले नहीं सकते क्योंकि पंजाबी फौज का रिकॉर्ड रहा है आज से नहीं 200 साल से जब से इनको मार्शल रेस डिक्लेयर किया है तब से इनका रहा है कि ये नहतों के सामने हमला कर सकते हैं है, तो जेनोसाइड करते हैं ये बंगालियों का जेनोसाइड करते हैं ये खाना काबा में फायरिंग करते हैं ये बलोचों का जेनोसाइड कर रहे हैं महाजरों सिंधी पख्तून इन सब का जेनोसाइड कर रहे हैं सिविलियंस का लेकिन जब एक प्रोफेशनल आर्मी इंडिया इनके सामने आती है तो ये पैंसठ में भी हार के जाते हैं मुश्किल लाहौर बचा पाते हैं और इकहत्तर में तो इनके साथ जो हुआ है अगर कोई गैरतमंद कौम होती तो अपनी फौज को खुद ही लटका देती लेकिन इनका फूलों के साथ इस्तकबाल किया गया जब ये दो साल भारत के प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में बहत्तर इन दिन गुजारने के बाद वापस आए तो इनका हार से इस्तेकबाल किया गया हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ हिस्ट्री में हारने वाली फौज जब वापस अपने मुल्क आती है तो अवाम जूते लगाती है लेकिन इस फौज फो, इस को हार पहनाया गया क्योंकि बात वही है कि ये गुलाम फौज है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनकी और कश्मीर के नाम पे कब्जा जारी वो सारी रख रहे हैं भारत के लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिस्टोरिक डिसीजन लास्ट फिफ, फिफ्थ ऑगस्ट को लिया है नथिंग बेटर देन दिस फॉर कश्मीर क्योंकि कश्मीर की टोटल डेवलपमेंट रुकी हुई थी सिर्फ इस बुनियाद पे कि भारत में इसके ऊपर आर्टिकल 370 लागू था लेकिन अब भारत की लीडरशिप भी एक नई तब्दीली ला रही है और मुझे यकीन है कि इसी नरेंद्र मोदी के पीरियड टेन्योर के अंदर ही पूरा कश्मीर भारत के पास चला जाएगा इस फौज का अब डिक्लाइनेशन है, और इनका वक्त पूरा हो चुका है। और इनको अब पाकिस्तान छोड़ के भागना है और इनको कोई चाइनीस नहीं बचा सकेगा क्योंकि चाइनीस का भी ये कश्मीर बनेगा इन देखिए आपने कहा कि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि ये ख़ुद पाकिस्तान के इस्टेबलिशमेंट के बड़े बड़े लोग पाकिस्तान से भागने की प्लानिंग करते रहते हैं चूँकि इनके ऑलरेडी कैनेडा हो अमेरिका हो यूरोप हो ऑस्ट्रेलिया हो ऑलरेडी इनके पैलेसेज हैं इनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ आ चुकी हैं लेकिन आवाम को डिप्राइव रख रहे हैं बुनियादी सहूलतों से आपने कहा कि एब्रोगे आर्टिकल 370 और थर्टी ए का जो फैसला था वो एक बहुत बड़ा फ़ैसला था मैं भी समझता हूँ बहुत बड़ा फ़ैसला था और उसका फ़ायदा यह कि सिर्फ उसका भारत को फ़ायदा नहीं आरफ जा भाई पूरे रीजन को फ़ायदा है अगर पूरा रीजन पीस के मोड में आ जाए और प्रॉक्सी टेर्रज़म प्रोक्सी वार ख़त्म हो जाए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को है इनफैक्ट कि वो जो बिलियन एंड बिलियन् कश्मीर कॉज पे लगा रहे हैं जबकि उनको पता है कि एक इंच पर भी वो काबज़ नहीं हो सकते आवाम का पैसा है गरीब लोगों का पैसा है वो उनकी फलाह के लिए इस्तेमाल हो तो क्या ये जो एब्रोगेशन आर्टिकल 370, 35 ए का ख़त्म होना है मैं तो इसको पूरे रीजन का फ़ायदा करार देता हूँ पाकिस्तान समेत क्या इस बात का एहसास कभी हो सकता है पाकिस्तान की अशराफिया या इंटेलेक्चुअल्स या मीडिया या इस्टेबलिशमेंट के किसी कॉर्नर्स को मैं समझता हूँ पाकिस्तान में आज तक कोई फैसला आवाम के मफाद में किया ही नहीं गया पाकिस्तान में हर फैसला रूलिंग ऑफ पाकिस्तान जो शुरू से चली आ रही है आर्म लेड बाय आर्मी इसमें पीछे जजेस मीडिया पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेसी ये इनके साथ मिले हुए होते हैं हम लोग वाकिफ है इनसे तो आज तक कभी भी पाकिस्तान की आवाम के हक में इन लोगों ने कोई फैसला नहीं किया कश्मीर इन्होंने जबरदस्ती कायम अपनी हैजमी के लिए रखा है अगर आज कश्मीर मसला सोल्व हो जाता है तो पाकिस्तान की आवाम और इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान से पूछेगी कि भाई आप क्यों आधे से ज्यादा बजट अपनी फौज पे लगा रहे हैं जब आपका तो अब आप कोई दुश्मन ही नहीं है अभी तक तो, तो आपने भारत को अपना दुश्मन बना के खड़ा किया हुआ है ताकि आप बजट का लायंस शेयर खा के ले जाएं लेकिन जिस दिन कश्मीर का मसला सोल्व हो जाता है तो इनकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है ना जो इन्होंने अपनी यूटिलिटी पेश की हुई है जबकि कश्मीर के लिए इनकी कंट्रीब्यूशन ये है कि ये मेरे और आपके सिविलियन के बच्चों को मदरसों में और ट्रेनिंग सेंटरों में ट्रेनिंग देके करके इंडिया में भेजते हैं फौज के सामने खड़ा कर देते हैं जबकि हम तो बजट इनको लड़ने के लिए देते हैं कि जाओ भाई तुम जाओ कश्मीर आजाद कराओ लेकिन ये भाई साहब हमारे सिविलियन के बच्चों को टेररिस्ट बना के भेजते हैं और बाकी अवाम को मामू बनाते हैं पिछले साल इन्होंने ऐलान किया पांच अगस्त को कि हर जुम्मे को आधा घंटा खड़े रहेंगे वो एक दो जुम्मे खड़े रहे कश्मीर आजाद ना हो सका तो बैठ गए अब इन्होंने शाह महमूद कुरैशी आज फरमा रहे हैं कि जो कश्मीर हाईवे है उसका नाम हम पांच अगस्त से बदल के श्रीनगर हाईवे रखेंगे क्योंकि इसी रोड पे बैठ के कश्मीर जाएंगे ये जिस तरह अपने मज़ार पे अपनी आवाम को जाहिल रख के बेवकूफ बना के इनके ऊपर रूल कर रहा है शाह महमूद कुरैशी ये पूरे पाकिस्तान को इस तरह से कर रहा है और बदकिस्मती ये है कि ये कौम इन्होंने जो तैयार की है जिसका मुजाह हमने परसों देखा को, पिशावर कोर्ट में जब एक आदमी को कोर्ट के अंदर एक आद, दूसरा आदमी जाके सिर्फ इसलिए मारता है कि का वो इल्जाम था मेरा सवाल ये है कि आपने मुमताज कादरी को देखा था वो मुमताज कादरी के मज़ार पे जब लोग जाते हैं गरीब लोग तो वो कहते हैं कि ये जिंदा रहता तो इसको एक कमरे का घर नसीब नहीं होना था क्या शानदार मौत मरी है तो हर पाकिस्तानी अब वो शानदार मौत मरने के लिए तैयार हो गया है क्योंकि उसको मजार मिलेगा मुजावर मिलेंगे उसके बच्चों को मुजाहिद का बच्चा गाजी का बच्चा कहते हैं तो ये एक ट्रेंड सेट हुआ है ये एक जाहिल कौम तैयार की है इन्होंने जियाउलग के जमाने से तो भाई अब यही रिजल्ट आएगा कौम आज भी पाक फौज जिंदाबाद कह रही है जबकि कराची डूबा हुआ है कोई सिविक फैसिलिटी पूरे पाकिस्तान में नहीं कराची ही नहीं लाहौर पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है दो घंटे बारिश होती है पाकिस्तान डूब जाता है इलेक्ट्रिसिटी साफ पीने का पानी सेहत की सहूलियत तालीम ये दे नहीं पा रहे कश्मीर के नाम पे हम लोगों को मुसलसल बेवकूफ बना रहे हैं और इसमें जैसा आपने कहा कि अगर ये मसला सॉल्व हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत फायदा है मैं कहता हूं ये लोग कश्मीर का नहीं सोचते पूरा डेढ़ अरब लोगों का रीजन तो हॉस्टेज है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मजलूम कश्मीरी हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा मजलूम पीओके के लोग हैं, जो कि हॉस्टेज है जिनकी डेमोग्राफी चेंज हो गई है जिनको आप अगर आज चले जाए पीओके में जो कि पार्ट ऑफ जम्मू है नॉट कश्मीर लेकिन आज तक बहत्तर साल से उसको पीओके कहा जाता है जबकि जम्मू वाले कहते हैं कि ये हमारा जम्मू है भाई ये हमें डिस इनफॉर्मेशन डिस्टोर्टेड हिस्ट्री के जरिए कश्मीरियों का जो इन्होंने हाल किया है शलवार कमीज वहां पर आम है पीओके में पंजाबी जबान आम चल रही है सारे दरख काट के खा गए हैं ये जंगलात पीओके के पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं किया इन कश्मीरियों के लिए तो मैं समझता हूं कि अब कश्मीरी भी जो ऑक्यूपाइड पाकिस्तान में है वो रश की निगाह से देखते हैं श्रीनगर और इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख वहां की डेवलपमेंट वहां की चीजें देख के ये लोग भी अब उम्मीद करते हैं कि इंडियन सरकार जल्द ही हमें वापस अपने साथ शामिल कर लेगी देखिए आप खुद पाकिस्तान की सियासत में फाल रहे और आपने मेयर तक कादा एक तरह से इलेक्ट अपने आप को करवाने के अहल साबित किया आप उस निज़ाम को समझते हैं और आपने उस सियासत में हिस्सा अवाम की बेहतरी के लिए था के लिए लिया था यही अब आपकी तमन्ना है कि अवाम की बेहतरी हो अमन हो खत्ते में आपने डेवलपमेंट्स की बात की कि जो डेवलपमेंट्स यहाँ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में हैं वो सड़कें टूटी हुई हैं मुझे ख़ुद कश्मीरी वहाँ के बताते हैं चाहे हमीद बशानी साहब हों या कोई और कश्मीरी हो इंडिपेंडेंट सोच रखने बताते हैं कितना बुरा हाल है मैं ख़ुद कई बार जा चुका हूँ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में वाकई बहुत सालों पुरानी बात है कोई अच्छा हाल नहीं था जबकि भारत की तरफ का जो कश्मीर है जो ज़्यादा बड़ी पापोलेशन भी है जिसका रकबा भी बड़ा है वहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं स्कूल बन रहे हैं कोविड नाइन्टीन के इस ज़माने में देखिए किस कदर फैसिलिटीज़ हैं जम्मू कश्मीर टेरिटरी में लद्दाख में पाकिस्तानी साइड के कश्मीर वाले तो कहते हैं कि उनके पास हॉस्पिटल्स में तीन या चार वेंटिलेटर्स हैं तो इस सारी सूरत हाल में आप ख़ुद कह रहे हैं कि वो बेचारे पाकिस्तान के साइड वाले जो कश्मीरी हैं वो तो ये दुआ मांग रहे हैं कि किसी तरह से हम उसी कश्मीर का ऐसा बन जाएं जो यूनियन टेरिटरीज़ की सूरत में भारत में अब एक नए नक्शे के साथ सामने आया है तो इस बात का इम्कान और हर आदमी उठ के बयान दे है जैसे पाकिस्तान में दे दिए जाते हैं कि हम लाल किले पे झंडा लगा देंगे यहाँ पे आपको बीजेपी की मेन जो लीडरशिप है उसकी तरफ से कभी कोई ऐसा बेवकूफी का बयान वगैरह नहीं मिलेगा वो जो पंजाबी में कहते हैं ना बड़क मारना तो वो बड़क और ये छोटे लेवल से तो लोग कोई भी कर लें लेकिन मेन लीडरशिप जो है वो इस तरह के बयान नहीं देती देखें इंडिया के भी कई इश्यूज हैं इंडिया भी एक तरह से ये 2014 में जाके आज़ाद हुआ है वरना 2014 तक एक अपीजमेंट की पॉलिसी चल रही थी और एक ऐसी गवर्नमेंट चल रही थी जिसने भी इंडिया uh, की चीज़ों को सीरियसली नहीं किया अब ये गवर्नमेंट इंटरनली भी बहुत सारी चीज़ें कर रही है जैसे कि अयोध्या का था ट्रिपल तलाक़ का मसला था अभी ये जो इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी दी है तो इनके इंटरनल इश्यूज़ में भी ये लोग हैं ऊपर से कोरोना आ गया तो इसकी वजह से कुछ चीज़ें डिले हुई हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडियन लीडरशिप ने एक चीज़ का फैसला कर लिया है कि यह अपना मकबूज़ा इलाका चाहे वो अक्साई चीन है चाहे वो पीओके है या कल बल्तिस्तान है ये वापस हासिल ज़रूर करेंगे देखें आ, कल चाइना ने ये बयान दिया कि हमने गलवान वादी से विड्रॉ कर लिया है कम्प्लीटली इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया इंडिया ने कहा नहीं तुम लोगों ने विदड्रॉ नहीं किया है क्योंकि ये जो चाइना और इंडिया का जो एल है वो पाकिस्तान के एल जैसा नहीं है एल के दरमियान एक बफर जोन है अब चाइना उस बफर जोन में आके बैठा है और वहां से वापस नहीं जा रहा तो इंडिया ये कह रहा है कि भाई साहब ये तुम्हारा विड्रॉल नहीं है क्योंकि अभी भी तुम उस बफर जोन में वो पीछे जाओ क्योंकि ये बफर जोन को दोनों क्लेम करते हैं तो वो एम रहता है तो इंडिया इज सीरियस नेहरू जी के जमाने में तो चाइना कहता था यहाँ पे हाईवे नहीं बनेगा तो नेहरू जी कहते थे अच्छा माए बाप नहीं बनेगा ये हमने पढ़ा है लेकिन आज की लीडरशिप कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला ये हमारा इलाका है हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे इन्होंने पुल भी बनाए हैं वहां पे और उस पूरे रीजन में डेवलपमेंट वर्क हो रहा है तो इनकी सीरियसनेस है कश्मीर को लेके क्योंकि आफ्टर ऑल कश्मीर इनके सर का ताज है हिंदुस्तान के सर का ताज है और सर के ताज को कोई भी नहीं छोड़ेगा तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की जो करंट लीडरशिप है उसने आइडेंटिफाई कर लिया एक एजेंडा इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ताहिर भाई देखें आप हम एक आम आदमी भी बैठ के स्टडी करता है तो वो ये सोच में पड़ जाता है कि यार ये वो देश है जो 5000 साल पहले इतना डेवलप था जहां दुनिया में कहीं डेवलपमेंट नहीं थी ये वो देश है कि जितना अमीर था कि इस पर पूरी दुनिया की फोर्सेस ने हमले किए मुसलमानों ने किए अंग्रेजों ने किए फ्रेंचों ने किए पोर्टुगीज ने किए डच ने किए सब ने किए जितनी कॉलोनियल पावर्स हैं सब ने इस पर अटैक किया इसका पोटेंशियल है जिसको हम आज अमेरिका में देखते हैं कि जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो कितने की पोजीशन पे छाए हुए हैं इनका पोटेंशियल है तो हम भी हम भी आज तक सोचते हैं कि वो भारत क्यों सुपर पावर ना बन सका इसलिए कि पाकिस्तान इंटरनेशनल डिजाइनिंग के तहत भारत को ऑक्युपाइड रखा था अब तक अब भारत उस ऑक्युपाइंग पॉलिसी से निकल गई है अब भारत अपने हिसाब से चल रही है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भोंकते हैं भारत कहता है भोंकने दो हम अपना सफर जारी रखेंगे तो मोदी जी की करंट लीडरशिप के पास एक एजेंडा मौजूद है इंडिया की बेहतरी के लिए जिसमें कश्मीर सर फहरिस्त है और मैं समझता हूं वापस में कहूंगा विद इन फोर ईयर्स जो बाकी है मोदी जी के इस टर्म के कश्मीर में कुछ ना कुछ जरूर होगा और ये पाकिस्तान को पता है पाकिस्तान की फौजी अशराफिया को पता है जब भी आप देख रहे हैं कि इन्होंने चाइना के साथ मिलकर कश्मीर पे बड़ा कुछ कर रहे हैं ये इन्फल्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है कश्मीर में इंडिया में कि रोज की बुनियाद पर पुलिस मुकाबले और फौज के मुकाबले हो रहे हैं टेररिस्टों से शोपुर में इधर उधर तो सिचुएशन पाकिस्तान को तो पता है कि अगर मैं इस वक्त नहीं कुछ करूंगा तो मेरे हाथ से तो कश्मीर भी जाएगा और इन पाकिस्तान भी जाएगा तो पाकिस्तान फौज तैयार बैठी है लेकिन कुछ कर नहीं सकेगी क्योंकि भारत इस बार रेजोल्यूशन के साथ आ रहा है और प्योर रेजोल्यूशन है इनके पास कुछ लोग भाई ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की ये जो करंट रंजीम है इस्टेब्लिशमेंट तो बैक पर रहती ही है हर रंजीम के ये ऑन बोर्ड हैं उनको ये अंदाज़ा है कि वो कुछ कर नहीं सकते लेकिन पब्लिक कंजम्पशन के लिए वो बोल रहे हैं इनफैक्ट पाकिस्तान के कश्मीर की जो सबसे ज़्यादा बात करने वाले या जैसे पंजाबी में कहते हैं मामे बनने वाले इमरान ख़ान की गवर्नमेंट ये लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं उनको ये पता है कि जो कश्मीर का कॉज और कश्मीर का एजेंडा उनके हाथ में था वो जा चुका है इनफैक्ट जिस तरह न्याजी ने बंग्लादेश बंगालियों के हवाले किया इसी तरह इमरान खान न्याजी इनफैक्ट कश्मीर को प्रैक्टिकली अपने हाथ से एक तरह से छोड़ चुके हैं ये जो एक कॉन्सेप्ट है इसको आप कैसे लेते हैं जी बिल्कुल पाकिस्तान की जो अशराफिया हैं इमरान खान की तो खैर कोई हैसियत नहीं पाकिस्तान का नया नाम आज को है क्योंकि इस वक्त बाजवे रूल कर रहे हैं पाकिस्तान पे हर जगह बाजवा है हर चीज़ बाजवा है और जहां जहां ये हैं वो तबाह हो रही है जैसे पी आई ए में बाजवाओं ने तबाह किया पाकिस्तान के कई चीज़ों को तो असल जो इस वक्त रूल कर रहा है वो बाजवा एन को है इमरान खान की कोई हैसियत नहीं और बिल्कुल इनको पता है कि बहुत कुछ होने जा रहा है एक मिसाल ले लें कि बलोचिस्तान में भी आप देखें कि इस वक्त जो बलोच स्ट्रगल कर रहे हैं जो उनका पूरा पाकिस्तान फौज के साथ बड़ा मुकाबला है दूसरा अफगानिस्तान साइड से पाकिस्तान फौज फंसी हुई है आपने देखा ही है कि कल चमन बॉर्डर पर अफगान बड़ा रगेदा है लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने जो उधर कंधार पर हमला करके 50 से ज्यादा अफगानी मार दिए हैं डेट सैड लेकिन ये बदकिस्मती है कि ये फौज है ना ये सिविलियंस को मारने में ही फख्र महसूस करती है इनके सीने पर मेडल ही दो चीजों के हैं या तो ये एकड़ जमा करते हैं कि इतना एकड़ ये जमीन मैंने कब्जा कर ली इतना एकड़ ये जमीन कब्जा कर ली या तो जमीनों के एकड़ कब्जा करने पे विद इन अपनी कंट्री हिस्ट्री में ये होता रहा है कि दूसरे मुल्कों पे जाती हैं फौजें और उनकी जमीन कब्जा करती है ये हमारी फौज दुनिया की यूनिक भगोड़ा फौज है जो अपने ही मुल्क के एकड़ और जमीन पता करती है अपने ही अवाम को मारती है इस सारी सूरत हाल में इनको ये पता है कि हम एक बहुत ही गलत रास्ते पे चल पड़े खास तौर पे जब से ये चाइना के साथ मिले हैं तब से इन्होंने अपनी बर्बादी को आवाज दे दी है अब चीज़ें इनके हाथ से तकरीबन निकल गई हैं ये लफाजियां करके इस तरह के आधा घंटा खड़ा रहना है श्रीनगर हाईवे और इमरान खान जाएगा भाई साहब यू जनरल असम्बली में पंद्रह मिनट का टाइम दिया है तो एक घंटा स्पीच करके वो समझता है इस तरह कश्मीर हासिल कर लेंगे या बचा लेंगे हासिल तो ये कर नहीं सकते लेकिन अब ये जो इनके पास है वो बचा लेंगे तो ये अब पाकिस्तान भी बचाना इनके लिए मुश्किल हो गया है क्योंकि अब पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ अकाइयाँ हैं महाजर है सिंधी है बलोच है पख्तून है इन लोगों ने देख लिया है कि इस पंजाबी फौज के साथ अब हमारा गुजारा नहीं है क्योंकि हम पे अंग्रेज़ों ने इतना म नहीं किया हम पे किसी और कौम ने इतना जुल्म नहीं किया जितना हमारी इस पंजाबी मुस्लिम फौज ने किया है तो अब पाकिस्तान में सिर्फ दो कौमें रहती हैं पंजाबी नॉन पंजाबी पंजाबी का इस वक्त क्या है कि वो फौज के साथ मिलके इस्लाम को यूज कर रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले एक महीने में पंजाब असेंबली में जो नए नए बिल पेश किए गए हैं ये इस्लाम को यूज करके पंजाबी आगे बढ़ रहा है लेकिन मैं समझता हूं कि इनका वक्त पूरा हो चुका है हम इंतजार में हैं कि कब इंटरनेशनल फोर्सेस का भी सबर का पैमाना लबरेज हो क्योंकि पाकिस्तान की एक्टिविटीज जैसे कि आपने देखा कि ब्लैक लाइफ मैटर्स में करा अमेरिका में पुलिस की गाड़ी में एक पाकिस्तानी लड़की ने बम फेंका तो ये पूरी दुनिया में आप जहां भी टेररिज्म का कोई वाक होगा मैं समझता हूँ हालांकि मेरा कोई तजर्बा इतना नहीं है लेकिन मेरी जो पॉलिटिकल लाइफ है इसमें मेरा जो तजर्बा है मुझे लगता है कि ये दो तीन साल से ज्यादा पाकिस्तान फौज खींच नहीं सकती अपने कंट्रोल को देखिए जब पिछले साल एब्रोगे आर्टिकल थ्री सेवेंटी थर्टी फाइव ए हुआ तो ये एक ऐसा वाकया था जिसको भारतीय भी ख़्वाब समझते थे वो भी सोचते थे कि ये मुमकिन नहीं है चूँकि जो, जो गुज्त इकहत्तर बहत्तर साल भारत की हिस्ट्री का रहा उसमें ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सका वो अपीज़मेंट की सियासत डरने की पॉलिसियाँ और अजीबोगरीब गरीब सूरतें अब ये हो गया होने के बाद ये खदशा था कि बहुत बड़ा स्पिल ओवर होगा कश्मीर में बलवे होंगे आ, फसादात होंगे राइट्स होंगे भारत ने एहतियात के पेश नज़र पार्शल लॉकडाउन भी किया पार्शल कर्फ्यू भी लगाया दफ़ा एक भी नाफिस की लेकिन प्रैक्टिकली कोई स्पिल ओवर नहीं हुआ उससे ये पता चल गया कि जो कश्मीरी कश्मीर में रहते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उनको तो टेररिज्म से कोई मतलब ही नहीं वो तो पीछे से एक कारोबारी काम था एक पाइपलाइन थी पैसा आता था और उस पैसे के चक्कर में कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स वहाँ पर भी बैठे हुए थे जम्मू कश्मीर खास वादी में वो अपना कारोबार चलाते थे जब भारत ने विल बना ली शिकंजा कसा तो हमें ये पता चला कि आम कश्मीरी तो इस खेल में है ही नहीं तो वो एक तरह से लॉकडाउन में कहता हूँ जो शुरू का था वो टेररिज्म का लॉकडाउन था या टेररिज्म के वायरस का लॉकडाउन था वो चलते चलते अमल कोविड नाइन्टीन का जो पूरी दुनिया में लॉकडाउन की सूरत हाल बनी वो कश्मीर में भी आई नज़र और वो कोविड नाइन्टीन का वायरस आया दोनों वायरस बाहर से आए थे लेकिन ये अंदाजा हो गया कि कश्मीरी रेजिलियन कॉम है और वो अपनी कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय सरकार के साथ मिलकर इन दोनों वायरस को भगाना चाहते हैं ये सूरत हाल मुझे नजर आती है क्या आपको भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल नजर आती है देखा आप बिल्कुल आपका तजिया दुरुस्त है आ, मसला यह है कि कश्मीर के नाम पे जो सियासत करते हैं चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में वो ये कहते हैं कि मोदी सरकार ने चूंकि शकंजा सख्त किया था 144 लगाया था ये वो इसलिए कश्मीर बाहर नहीं निकला वरना निकलता मैं इसको इसलिए नेगेट करता हूँ कि वो ईरानी लीडर सुलेमानी जब मरा था उसको अमेरिका में अमेरिका ने मारा था एक मिसाइल के ज़रिए तो श्रीनगर में और कश्मीर में कोई पच्चीस हज़ार आदमियों ने मुजाहरा किया था उसी लॉकडाउन में उसी उसमें तो अगर इनको भारत सरकार का ये 370 का एब्रोगेशन पसंद ना आया होता तो ये बिल्कुल निकलते जब वो एक ईरानी के लिए मुजाहरा कर सकते हैं तो लेकिन ऐसा कोई मुजाहरा नहीं हुआ एग्री टोटली विथ यू कि कश्मीरी को पता है कि उसका फ्यूचर इंडिया के साथ अच्छा है और बिल्कुल आपके इस स्टेटमेंट से मैं टोटली एग्री करता हूँ कश्मीर में इन, जो वैली है जो इंडिया का कश्मीर है यूनियन टेरिटरी उसमें एक बड़ा मसला है कि कुछ स्लीपर सेल्स तो हैं क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान की ये इकतीस साल के इन्वेस्टमेंट है उधर स्लीपर सेल्स हैं एक कश्मीरी पंडित अजीत अजय पंडित को अभी मार दिया इन्होंने वो बेचारा वहां पे एक टीचर था और एक आखिरी पंडित रह गया था वहां पे हमें पता है कि कश्मीर के असल रेसिडेंट्स तो कश्मीरी पंडित हैं जो के सदियों से वहां रह रहे हैं। बाकी जो है सैयद अली गीलानी अगर वो कश्मीर के ठेकेदार बनते हैं तो सैयद का मतलब तो होता है वो आले रसूल से आले रसूल इंडियन ओरिजिन हो ही नहीं सकता आले रसूल मींस अरब नस्ल से तो ये कश्मीर के ठेकेदार बने हुए असल कश्मीर के ठेकेदार तो कश्मीरी पंडित हैं उनका आखिरी बंदा इधर मार दिया इन्होंने इसके अलावा एक शेख वसीम बारी बीजेपी का मुसलमान लीडर कश्मीरी उधर लोकल उसको मार दिया तो वहाँ पे हैं जो स्लीपर सेल्स आईएसआई के इशारे पे काम करते हैं और अब जब इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है तो कुछ डड्डू जो बरसाती मेंढक होते हैं वो निकले हैं जिनका सारी जिंदगी कश्मीर के ऊपर ठेकेदारी रही है डायनास्टीज की जैसे कि अब्दुल्ला डायनेस्टी है उनका बेटा बड़ा चीं पै चीं पें कर रहा है क्योंकि अब इनकी चौधराहट खत्म हो रही है बाप दादा के ज़माने से कश्मीर को लूट रहे थे खापी रहे थे इन्होंने कश्मीर को दिया किया है कोई ये तो बता दे कि आज ये टस्वे बाहर हैं एक और कश्मीर की चीफ मिनिस्टर होती थी मुफ्ती महबूबा उनकी बेटी यहाँ पे यूरोप में लेक्चर देती है कि इंडिया के ऊपर इम्बारगो लगाओ और इंडिया को रोको और इंडिया को ये करो तो ये कश्मीरियों की आवाज़ नहीं है ये आईएसआई की आवाज़ है ये पाकिस्तान पेड आवाज़ें हैं जो थोड़ी बहुत रह गई हैं वरना मेजोरिटी ऑफ कश्मीरी और ऑफ जम्मू और गिलगिति लद्दाखी इनको पता है कि इनका फ्यूचर इंडिया के साथ अटैच है ना ये आजाद रह के अपने लिए कोई बेटर फ्यूचर ले सकते हैं और पाकिस्तान के साथ तो इन्होंने देख ही लिया कि पाकिस्तान अपनी कौमों के साथ क्या कर रहा है और कश्मीरियों के साथ जो इनके पास कश्मीर है उसमें क्या कर रहा है तो पाकिस्तान से तो आप किसी किस्म की उम्मीद रख नहीं सकते तो आपका हंड्रेड परसेंट कि आर्टिकल 370 गया तो इसका मतलब यह है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इधर होंगे एम्प्लॉयमेंट आएगी डेवलपमेंट होगा और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देवल, भी होगा ये कश्मीरियों की सोच है आई टोटली एग्री विथ यू और आपने कहा कि असल जो इंपॉर्टेंट मसला है वो ये है कि जो कश्मीरी हैं वो समझते हैं कि उनका फ्यूचर भारत के साथ है और वो भारत का हिस्सा हैं बड़ी अहम बात है कि कश्मीर जो है बुनियादी तौर पर वो भारत का ही हमेशा से हिस्सा रहा और उसके अलावा जो एक इम्पॉटेंट बात ये है कि जो वहाँ पर मुस्लिम बैकग्राउंड की तरह आपकी तरह मेरी तरह के लोग हैं हम सब मुस्लिम फेथ के अतबार से हैं हम सब भारतीय हैं आपने पीछे अपनी शनाख्त बताई कि आप भारतीय समझते हैं मैं भी मुझसे पूछता तुम कौन हो तो मैं कहता हूँ आई एम कनेडियन पंजाबी ऑफ इंडियन हेरिटेज बॉर्न इन पाकिस्तान चूंकि इस वक्त हर शख्स दुनिया में कई लेकर चलता है आप यूरोप में रहते हैं किसी कोई जर्मन मिलेगा वो कहेगा कि आई एम कैथोलिक जर्मन एंड यूरोपियन एज वेल एक ही वक्त में बहुत सारी आईडीज होती हैं लेकिन कोई जर्मन ये कहे कि वो यूरोपियन नहीं है तो वो झूठ बोलेगा ना अपने बारे में इसी तरह कोई बंगाली कोई पाकिस्तानी श्रीलंकन इवन नेपाली ये कहे कि वो भारतीय नहीं है अपने औरिजन में अपनी हेरिटेज में तो वो झूठ बोलेगा अगर ये समझ आ जाए बात तो ये तो फिर मसला कश्मीर तो रहना ही नहीं चाहिए था मैं यहाँ पे अरबई वो एक इंडोनेशिया के एक मुसलमान मिनिस्टर की बात बताता हूँ उनसे पूछा गया कि आपके नोटों पे ये भगवान की पिक्चर क्यों है तो उन्होंने कहा कि हमने मजहब बदला है अपने बाप दादा तो नहीं बदलेगा बड़ी बात है वाकई ठीक है ना जी तो मतलब हमारी ओरिजिन हमारे बाप दादा तो हमारे भारतीय हैं क्योंकि हिंदू जो है वो सिविलाइजेशन वो सिर्फ मज़हब का नाम नहीं है वो एक सिविलाइजेशन का नाम है उसमें तो इतनी लचक है उसमें क्रिश्चन मुस्लिम सारे उसमें समा सकते हैं और समोए हुए हैं तो ये जो मैसेज है ये कश्मीरियों को तो पता है बिकॉज वो रह रहे हैं आप और मैं तो हमें तो अभी बीस तीस साल से इस बात की समझ आई ना लेकिन वो तो रह रहे हैं मगर पाकिस्तान को ये बात क्यों नहीं समझ आती ये क्यों अपने वसाइल बर्बाद करता रहा एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करता रहा जो बिल्कुल बेकार की है और अगर ये भारत के साथ अमन के साथ रहता तो अभी ये जो पाकिस्तान जगह जगह से दो दो बिलियन डॉलर मांग रहा है इनकी जेब में 200 बिलियन डॉलर होते भारत की तरफ़ से टूरिज्म इतनी आ जानी थी पाकिस्तान को जो इतनी मुकद्दस जगह हैं भारतीयों की पाकिस्तान उन्हीं का हिस्सा है लेकिन वो भी इन्होंने गिरा दी बर्बाद कर दी तो ये मैं आखिर में जो हम दो एक बातें करेंगे ये भी आपकी राय लेना चाहता हूँ ये बात क्यों समझ नहीं आती कॉमन सेंस वाली बात नहीं बिल्कुल समझ में आती है इनको मसला ये है कि पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल कंट्री है अब एक आर्टिफिशियल क्राफ्टेड कंट्री अगर बनाया जाता है तो वो बनाने वाली जो पावर्स हैं वो एक दिन के लिए तो उन्होंने नहीं बनाया कोई एक मकसद था मकसद ये था कि भारत के पोटेंशियल को रोकने के लिए इसको ऑक्यूपाई रखना था तो उसको ऑक्यूपाइड रखने के लिए ये पाकिस्तान की फौज ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करती है ताकि भारत में चीज़ें इस तरह चलाई जाती रहें <laughs> अब मसला इसमें असल ये आता है देखें हम लोग सब आफ्टर ऑल इंडियन ओरिजिन के हैं ये चीज हम समझ जाएं तो बड़ी अच्छी बात होगी लेकिन बदकिस्मती से मैं पाकिस्तान की रूलिंग का तो का ही नहीं करता ना कि ये तो ऑपरेसर है इनका तो मकसद ही ऑपरेशन है उसके ऊपर नहीं है लेकिन आम आदमी भी आज आपने आ, अपने आबाव अजदाद की शक्ल में अर तखरल को देख रहा है मोहम्मद बिन कासिम को देख रहा है महमूद गजनवी को देख रहा है मैं ये कहता हूं कि महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम जब ये वेस्ट से उठ के घोड़ों पे बैठ के ये डाकुओं का टोला जब आता था तो सबसे पहले कौन से इलाके रोंदता था ये सबसे पहले सिंध और पंजाब को रोंद के फिर आगे बढ़ते थे ये सिंध और पंजाब की हमारी माओ बेटियों को गुलाम बना के बीस बीस चालीस चालीस हजार गुलाम औरतें और मर्द लेके जाते रहे उनको हमारा हीरो बना के पेश किया गया एक आर्टिफिशियल बता रहे हैं जबकि आई एम प्राउड ऑफ माई आइडेंटिटी मैं गुजरात के मुकदस इलाके से पैदा हुआ हूं ठीक है मेरी पैदाइश कराची की है लेकिन मेरे माँ बाप दोनों गुजरात में पैदा हुए हैं और इससे पहले सदियों से हजारों साल से हमारी आबाओ अजदाद वहीं रहते थे तो हम तो इंडियन ओरिजिन के हैं और ये पाकिस्तानियों को भी समझना होगा आपने अभी कहा कि अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो 200 बिलियन डॉलर जेब में पड़े होते मैं आपको मामूली सी मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान का एक अदाकार है जावेद शेख वो अगर दो करोड़ रुपए की फिल्म बनाता है उस पर ढाई करोड़ रुपए का प्रॉफिट मतलब पचास लाख का प्रॉफिट होता है और बस अगर पाकिस्तान इंडिया कॉमन मार्केट हो मैं नहीं कह रहा अखंड भारत वो तो मुमकिन ही नहीं ना मैं कह रहा हूं कॉमन मार्केट के आप फ्री ट्रेड करें सब कुछ करें तो वही जावेद शेख सौ करोड़ रुपए की फिल्म बनाएगा और उसपे सौ करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाएगा इतनी बड़ी मार्केट पाकिस्तानियों के बगल में मौजूद है और ये वो लोग हैं हिंदू दुनिया की सबसे टॉलरेंट कौम है वरना मुसलमानों ने तो जो हाल किया हाइया सोफिया का आप देख लें ये अगर हिंदू करने पे आ जाए तो चार हजार मस्जिद है तो एक दिन में गिरा देंगे ये और उसको मंदिर में ला देंगे ये दुनिया की सबसे टॉलरेंट कौम है ये आपको हमेशा वेलकम करते हैं इन्होंने वसीम अकरम को राहत अली खान को सबको इन्होंने हमेशा वेलकम किया मौका दिए लेकिन हम उस मौके का नाजायज फायदा उठाते हैं ना तो ये गलत है बेस्ट वे पाकिस्तान के लिए यही है कि इंडिया के सबसे पहले डिसमेंबर करें आर्मी को दुनिया में अमन लाने का वाहिद जरिया है पाकिस्तान की आर्मी को डिसमेंबर करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वॉर क्राइम के तौर पे पाकिस्तान के वो जनरल जो ऑस्ट्रेलिया कैनेडा अमेरिका में रह रहे उनको उठा के लाए हॉलैंड में और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनके ऊपर वॉर क्राइम का केस किया जाए और पाकिस्तान की आर्मी को डिसमेंबर किया जाए और पाकिस्तान इंडिया का छोटा भाई है भाई, छोटा भाई बनकर रहे बाप बनने की कोशिश ना करे तो इंडिया पाकिस्तान को इतना नवाजेगा क्या आपके तस्वर से ज्यादा होगा लेकिन पहले इंडिया को अपना बड़ा भाई माने तो ये ऐसे ही है जैसे मेरे माँ बाप मैं बड़ा होता हूं मेरे बच्चे होते हैं मैं कहता हूं अम्मी मुझे अलग घर चाहिए अम्मी ने कहा ये लो बेटा तुम्हारा अलग घर अब मैं अलग घर में बैठ के रोज नए नए गुंडे पालू और उनको अपने माँ बाप के घर पे हमले करने के लिए भेजूं तो यार ये गलत है मैं अपनी हैसियत को जानू कि मेरे माँ बाप है वो मैं उनके घर को भी आबाद रखूं खुश रखूं और अपने घर को लेकिन बेगरती पे आ गई है पाकिस्तान की फौज और इन बेगरतों का अब एक ही हल है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनके ऊपर वार क्राइम्स के केस करके आप उनको लटकाएंगे तब तो जाके दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं करेगा फिर आपने तीन चार बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की एक तो आपने कहा कि अखंड भारत की बात नहीं करते मैं अखंड भारत की टर्मिनोलॉजी को भी नेगेटिव नहीं देखता मैं इसको जैसे यूरोपियन यूनियन है ना उस तरह देखता हूँ कि भाई बांग्लादेश है पाकिस्तान है इवन अफ़ग़ानिस्तान है नेपाल है भूटान है श्रीलंका है ये सब अकंड अखंड भारत का उस तरह हिस्सा है, है जैसे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है सब की सोवेडनिटी है लेकिन उस सोवरेनिटी में हम यूरोपियन यूनियन का मॉडल देखते हैं कि दूसरी जंग अजीम तक जर्मन फ्रांसीसियों से लड़ते रहे हर एक ही दूसरे से लड़ाई होती रही उन्होंने सबक सीखा उन्होंने कहा कि नहीं अब हमने एक यूनियन बन के रहना है। लड़ना नहीं है सोवरेनिटी भी अपनी बरकरार रखनी है तो वो मॉडल बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है तो अखंड भारत अगर उस मॉडल पे चले तो बहुत ही उम्दा बात है लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है नहीं दूसरी तरफ़ आपने कहा कि पाकिस्तान आर्मी के जो जर्नेल हैं जो ख़ास तौर पर वो नस्लें जो मुलवस हैं भारत के साथ जंगों में और उससे ज़्यादा बंगालियों के साथ सतम में उनके और फिर ये बलोच हैं पश्तून हैं महाजिर हैं सिंधी हैं उनके साथ जो जुल्म होता है तो इन सब का जो क्रिमिनल कोर्ट्स में हो चलिए मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं बहुत बड़ा मुतालबा कर रहे हैं अगर ये अपना रवैया ही बदल रहे अपने ही मुफाद की खातर अपने ही सर्वाइवल की खातर चुन को ये पता होना चाहिए कि अब इनका अपना सर्वाइवल इस तरह की बुलिंग में नहीं तो शायद तब भी बेहतरी आ जाए इतने बड़े लेवल पे ना भी जाएं। खैर ये तो आपने बात की बात से बात हमारी चल रही है आरफ जा भाई आज हम खास तौर पर बातचीत कर रहे हैं कश्मीर के एक साल आर्टिकल्स थर्टी फाइव ए और थ्री सेवेंटी की एब्रोकेशन के बाद और उसमें जाहिर जो बातें आप मैं और भी कर रहे हैं वो जुड़ी हुई हैं इस वक्त की सूरत हाल यह कि कश्मीर प्रोग्रेस कर रहा है जम्मू कश्मीर हो लद्दाख हो सड़कें बन रही हैं टनल्स बन रहे हैं मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं हॉस्पिटल बन रहे हैं और वो तो एक साल खर्चे का साल था पहले टेररिज्म के वायरस का खर्चा था फिर कोविड नाइन्टीन का हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही लेकिन चीज़ें अंदर ही अंदर डेवलप हो रही हैं आइंदा तीन चार साल में नक्शा कुछ से कुछ होगा इस एक साल में अरे भाई ये भी पता चल गया पूरी दुनिया को कि कश्मीरियों ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया कोई टेररिज्म का स्पिल ओवर नहीं किया बल्कि उससे पहले जो टेररिज्म होती थी वो ख़त्म हो गई अब सिर्फ इनफिल्ट्रेशन के वाक़ हैं और भारतीय सरकार उसको काबू कर रही है अब ये मॉडल सामने आ गया दुनिया पर साबित हो गया कि कश्मीर में इकहत्तर साल में एक्चुअली क्या होता रहा और कौन पीछे था और टेर्रिज़म क्या थी अब एक साल गुजर जाने के बाद जब मैं और आप तजिया कर रहे हैं तो कोविड नाइन्टीन भी गुजर जाएगा इन चार छः महीने की बात है वैक्सीन आ जाएगी उसके बाद हम आप और मैं और बहुत सारे दोस्त जाएंगे श्रीनगर शे, जाएंगे मिलेंगे अपने कश्मीरी भाइयों से बहनों से तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तो इससे कुछ सबक सीख नहीं सकता पब्लिक पब्लिक के लिए उनको तो लड़ना ही है लेकिन कश्मीरी जो हैं वो उन्होंने अपना रुख दिखा दिया कि हम तो आगे बढ़ेंगे अमन और पीस के साथ क्या होती नजर आ रही आ, उस जाने से पहले मैं आपके वही अखंड भारत वाले पॉइंट पे आऊंगा जी, जी. के, देखे मेरे लिए भी मुझे रंगून से लेकर काबुल तक जो आदमी मिलता है मेरे लिए वो भारतीय चाहे वो कोई भी नेशनलिटी हो कोई भी रूलिंग में रहता हो ये मेरे लिए अपने लोग हैं काबुल से लेकर रंगून तक का हिंदुस्तान मेरे अपने लोग हैं और उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि उन सब की आइडेंटिटी ख़त्म करके सब एक उसमें आ जाए फ्लैग में सबके भले अपने फ्लैग रहे मेरे लिए वो मेरा देश है चाहे वो रंगून से कोई हो काबुल से हो कहीं से भी हो हैविंग सेट दैट आपने जो ये कहा ना कि कश्मीरियों का इस हवाले से तो देखें कश्मीरियों के पास है ना कोई और चॉइस नहीं है क्योंकि ये एक लैंडलॉक कंट्री है और माउंटेनियस रीजन है इनके रिसोर्स मुख्तलिफ़ के हैं जैसे पानी दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो पानी इनके पास है सबसे ज़्यादा फिर इनके पास उसी पानी से इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप होती है पूरा पंजाब पाकिस्तान का है वो कश्मीर के इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलता है ये सब चीज़ें फिर इनका जो अखरोट है सेब है फ्रूट्स हैं जो उस सब की प्रिजर्वेशन के लिए हमारे मुल्क ने कभी कुछ नहीं किया लेकिन इंडिया में इस पर बड़ा वर्किंग होता है डेवलपमेंट की आपने कहा कि कोविड 19 वजह से रुक गया ये सब बड़ी चीजें पाइपलाइन में आप सही कह रहे हैं ए, बिलियन डॉलर का रिजोर्ट पाइपलाइन में है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं अंबानी साहब हैं दूसरे महिंद्रा साहब हैं सब ने ऐलान किया है कि हम कश्मीर में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे और कश्मीर में कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट इस पर आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश हो रही है डोमिसाइल दिए जा रही है वो लेकिन ओवरऑल कश्मीरी जो इंडिजीनियस कश्मीरी है वो जानता है और वो ये समझता है कि इन्वेस्टमेंट आने से कोई डेमोग्राफी चेंज नहीं होती एक मिसाल ये ले लें कि इतना इंग्लैंड में दुनिया जहाँ के लोग रहते हैं कैरेबियन के लोग हैं अफ्रीका के हैं साउथ एशिया इंडिया पाकिस्तान तो क्या इंग्लैंड की डेमोग्राफी थोड़ी चेंज हुई है आज भी यहाँ की वही डेमोग्राफी है जो आज से 50 साल पहले थी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से या फॉरेन लोगों के आने से कोई डेमोग्राफी में इतना बड़ा चेंज नहीं होता ये सिर्फ कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लीडर्स हैं जो इस चीज को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं अदरवाइज कश्मीरी को पता है कि जितना ज्यादा पैसा इधर आएगा उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगी तरक्की होगी तरक्की होगी कश्मीर की तो कश्मीरी खुशहाल होंगे और रहा सवाल मजहब का तो मेरी नजर में मजहब हर आदमी का जाति पहले है और वो कोई भी मजहब हो वो इंडियन होने पे फख्र करे और अपने मजहब को आजादी से प्रैक्टिस करे विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स अगर ये मैं सोचूं कि नहीं मैं अगर इबादत कर रहा हूं तो बाकी सबको कुर्बानी देनी है तो ये मेरे अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि तुम मेरी इबादत के लिए मेरे बंदों को खराब करो कुरान में बार बार कहा गया है रब्बुल आलमीन रबुल नहीं कहा जब वो आलमीन है तो वो इतना बेरहम कैसा हो सकता कि वो खाली मुसलमानों की बहबूद सोचेगा तो मेरा ईमान है कि कुरान के जो ट्रांसलेटर्स हैं मौलवी इनके इस्लाम को इनके कुरान को तो मैं मानता ही नहीं हूं मैं तो उस अल्लाह पे बिलीव करता हूं जो तमाम इंसानों के साथ यकसत के साथ पेश आता है वो मेरा खुदा है और ये मेरा जाती मामला है अब मैं नमाज के लिए जाता हूँ रोजे के लिए रखता हूँ नहीं रखता हूँ ये मुझसे ना ताहिर गोरा साहब पूछेंगे ना कमर बाजवा साहब पूछेंगे ये मुझसे मेरा क्रिएटर पूछेगा खाली मैं उसको जवाब दूंगा तो मैं इबादत करता हूँ किसकी करता हूँ नहीं करता हूँ ये मेरा जतीी मसला होना चाहिए इसका नेशनलिटी से कोई ताल्लुक ना हो ये सिर्फ पाकिस्तान जैसी बनाना रिपब्लिक और तुर्की में भी ये हो रहा है रिलीजन को एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है भाई साहब तैयब अरतान लास्ट फ्राइडे को हाइया सोफिया में नमाज पढ़ने के बाद बयान क्या देते हैं कि हमारी अगली नमाज मस्जिद अक्सा जरूसलम में होगी जबकि तुर्की का सबसे ज्यादा तजारती इसराइल के साथ हैं अब यार किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार तो ये इस्लाम को यूज करते हैं ये थियोक्रेसीज हैं, ये स्ट्रेटोक्रेसीज हैं, जिन्होंने इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं अगर ये मुसलमान के बच्चे होते तो मुसलमानों को मार रहे होते बंगालियों को बलोचों को अगर इनको इस्लाम का इतना ही ठह वो है तो बलोच बलोचिस्तान में कितने काफिर इन्होंने मारे हैं सारे मुसलमान ही मारे हैं तो मैं यहाँ पे यह कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की फौज और रूलिंग और का किसी किस्म से कोई मज़हब से ताल्लुक नहीं है ये भेड़िए हैं इनका इंसानियत से भी कोई ताल्लुक नहीं बहुत आखिर में आपने एक नुक्ता छेड़ दिया तो उस पर एक दो मिनट में ज़रूर बातचीत करूंगा वो है डेमोग्राफी चेंज करने की बात मुझे हैरत होती है आरफ जाखिया भाई की जो डेमोग्राफी चेंज करने की बात करते हैं वो खुद सबसे ज्यादा इमिग्रेशन लेकर यूरोप अमरीका कैनेडा आकर बसना चाहते हैं ज़ाहिर है वो अपने इकनॉमिक मसाइल हल करना चाहते हैं फ्रीडम लेना चाहते हैं मगर उनके यानी मैं हूँ आप हैं और हम जैसे सारे जो हमारे रीजन से आए हुए लोग हैं वो जब आके इन मुल्कों में बसते हैं तो किसी न किसी तरह से यहाँ की जो डेमोग्राफी है उस पर हम असर तो डालते हैं ना तो जब ये हक हम अपने लिए रखते हैं तो हम अपने ख़तों के लिए क्यों इतने इसिक्योर हैं कि हम दूसरों को इक्वली वहाँ रहने और ज़िंदगी बसर करने का हक नहीं देना चाहते आपने इंग्लैंड की बात की मैं भी आता रहता हूँ कैनेडा में आप आ जाइए यहाँ पर वाकई कुछ शहरों में तो डेमोग्राफिक भी चेंज हो रहे हैं मगर उन डेमोग्राफी के चेंज होने के साथ साथ जो निज़ाम है वो तो वही है यानी सिविल लिबर्टीज़ का इंसानी हकूक़ का जमहूरीत का और ये जो फ़ा है आरफ जा भाई ये बिला किसी शक व शुभ कश्मीर में भी आगे परवान चढ़ेगी। आखिर में कोई कमेंट आप, तो भी भी आप हमारे सीनियर हैं। और आपने से हमने बड़ा सीखा है आपने हम जैसों को बहुत प्लेटफॉर्म दिए अपने मौके दिए और आज पहली बार तो नहीं है मैं तो दो तीन चार साल से आपके प्रोग्रामों में आता रहा हूँ आप एक बहुत बड़ी आवाज हैं ताहिर भाई और आपकी तरह के कई लोग हैं और हम भी हैं जो एक मिशन पे चल रहे हैं हमारे लिए एक बुजदिल दुश्मन है हमारा घटिया दुश्मन है हमारे सामने और वो अक्सर घटिया हरकतें करते हैं मैं डिटेल में नहीं जा सकता लेकिन मेरे साथ भी बहुत कुछ हो रहा है आप भी इसको फेस करते होंगे और हम यूरोप में रह के भी इनके जुल्म और तशद का शिकार हैं स्वीडन में एक बलोच जर्नलिस्ट साजिद हुसैन को मार दिया जाता है लंडन में एक पॉलिटिकल पार्टी एम के एम के कन्वीनियर को मार दिया जाता है हॉलैंड में अहमद वकास गोराया पे हमला होता है सिद्दीकी पे पेरिस में हमला होता है इसके अलावा पाकिस्तान में हम लोगों के साथ क्या क्या होता है ये आपको पता ही है जैसे गुलाल इस्माइल इतनी जबरदस्त हमारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनकी फैमिली के साथ क्या होता है अहमद वकास गोराया के ससुराल के साथ क्या हुआ ये सब कर रहे हैं ये घटिया दुश्मन हम सब के खिलाफ बड़ी चीजें हो रही हैं लेकिन मैं उन घटिया लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे सफर को रोक सकोगे या हमारा जो मार्च है उसको रोक सकोगे हमने एक सफर शुरू कर लिया है और ये कश्तियां जला के आए हैं अब ये खत्म होगा या तो मेरी मौत पे मेरा सफर खत्म होगा या जब मैं मंजिल पे पहुंच जाऊंगा और मैं सब हिलाली परचम के साथ पाकिस्तान में खड़ा होऊंगा तब हमारी मंजिल हमें मिलेगी लेकिन इन लोगों को मेरा मैसेज है कि ये ना समझें कि वो हमें रोक लेंगे दबा लेंगे या हमारे सफर को रोक सकेंगे बिल्कुल नहीं रोक सकते हम चल पड़े हैं और ये जो हक परस्ती का आ, सफर हमने शुरू किया है हमारे पीछे लश्कर जमा हो रहा है फिक्र नहीं करो यही पाकिस्तानी तुम लोगों को पाकिस्तान में सबक सिखाएंगे बहुत शुक्रिया आरिफ जाकिया भाई आपने बलातकलफ शो में बलातकलफ अंदाज में खरी-खरी बातें की जैसा कि आप हमेशा करते हैं आज हमने एक खास ही एंगल से आपसे बातचीत की अगले आने वाले दिनों में आपसे बहुत सारे और मामला पर भी इसी तरह कन्वर्सेशन करेंगे मैं बहुत ममनू हूँ आपके वक्त का और आपकी शिरकत का थैंक यू ताहिर भाई टेक टी वी एक फैमिली है हम जैसों के लिए ऑपरेस्ड लोगों के लिए जो आवाज़ उठाना चाहते हैं और मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि आपका ये प्लेटफॉर्म कायम और दायम रहे जिस हिसाब से आप चीज़ों को ले चलते हैं आई अप्रिशिएट और मैं मशकूर हूँ आपने मुझे मौका दिया बहुत शुक्रिया एक बार फिर खुदा हाफिज़ और ईद मुबारक और सब बहन भाइयों को नेक तमन्नाएं तो और आज हमने आरिफ जाकिया भाई के साथ बातचीत की ख़ास तौर पर कश्मीर के आर्टिकल्स थ्री सेवेंटी और थर्टी फाइव ए के एब्रोगे के एक साल की एन, एनिवर्सरी के मौका पर बिला तकल्फ़ हम बातें करते हैं और हमारा मकसद ये होता है कि इससे पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट को कुछ एहसास हो कि वो खुदा का खौफ खाते हुए जुल्म करना बंद करें और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के ज़िम्मे में वो जो सत्तर बहत्तर साल से कश्मीर का चूरन बेच रहे हैं हज़ारों पाकिस्तानी मासूम बच्चे कश्मीरी मासूम बच्चे अपनी जानें गंवा चुके हैं इनके नाम नहा जहाद के तनाजर में इसका खुदारा सिलसिला बंद करें जो बातें आरफ जाकिया कहते हैं जो बातें मैं कहता हूँ हम जैसे कहते हैं हमारा मकसद पाकिस्तान की भी बेहतरी है उस रीजन में भी अमन की बेहतरी है और अपनी सिविलाइजेशन भारत की सिविलाइजेशन की भी बेहतरी की तमन्ना है आज का बेला तकल्लफ तजजिया ताहिर गोरा और आरफ अजाकिया भाई के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब टैग टीवी YouTube चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन